हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, यानी जो हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए जो पेपर वन हुआ था, यानी 28 तारीख को एसटीटी का एक जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको बता दें, बहुत लोगों का कंप्लेन है कि सिलेबस नहीं मालूम है और आपने तैयारी कराना शुरू कर दिया था, आपको सिलेबस मालूम करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूँ, 2011 के सिलेबस को ही फॉलो करने के लिए बोला गया था, आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा इस वीडियो में कि ऐसा बात बोला गया था। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सवाल आखिर पूछे गए तो कहाँ से पूछे गए थे, उसके और कट ऑफ क्या हो सकता है, और रिजल्ट आने की क्या चांसेस है, यानी कब तक रिजल्ट आ सकता है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के जो प्रूफ दिए गए थे, यानी 2011 को ही फॉलो किया जाएगा, उसका प्रूफ दिखला देता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया गया है कि 2011 का ही सिलेबस, यानी सिलेबस वर्ष 2011 का ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए स्पष्ट नहीं किया गया, यानी 2011 का सिलेबस रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया इसलिए स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। और शिवनाथ प्रसाद उप निदेशक यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऐसा बोला गया था। तो फिर इसमें सिलेबस जानने और ना जानने की कोई बात ही नहीं हुआ, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया था कि यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। लेकिन सवाल जो आपकी बार पूछे गए वो बिल्कुल अपोजिट थे, एक भी सवाल आपके बुक से नहीं आए थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बुक से पिछली बार यानी 2011 में सवाल कितने पूछे गए थे। अगर हम लोग बात करें कि 2011 के अनुसार बुक से आपके सवाल कितने पूछे गए थे, यानी नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास और एलेवेंथ क्लास, यानी हाई स्कूल का टीचर बनने के लिए इन सभी बुक से सवाल पूछे गए थे, नाइन्थ और टेंथ और एलेवेंथ क्लास के, तो लगभग 60 से 65 सवाल आपके पूछे गए थे बुक से, ग्रामर को छोड़कर। लेकिन इस अब की बार एक भी सवाल, यानी जीरो सवाल, अब की बार एक भी सवाल पूछा नहीं गया था, यानी 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक भी सवाल इस बुक से पूछे नहीं गए थे। आपको देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक ये हुआ है कि आपको पढ़ाने हैं बुक्स, ग्रामर तो पढ़ाना ही है, बुक्स पढ़ाने हैं यानी कक्षा में, और एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग यानी सेट किए हैं क्वेश्चन पेपर, वो लोग कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम होता है एसएससी बैंकिंग वगैरह, इस टाइप के सवाल पूछे गया था, और कुछ लिटरेचर आपको बतलाएंगे, सभी दिखलाएंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके इंग्लिश लिटरेचर से सवाल पूछे गए थे, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स और सेंटेंस अरेंजमेंट से सवाल पूछे गए थे, यानी 28 जनवरी को, और प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सवाल आए थे, LSRW यानी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये जो स्किल्स है इससे रिलेटेड सवाल थे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से सवाल पूछे गए थे, और बहुत सारे यानी जो आपके ग्रामर रूल्स भी पूछे गए थे। इतने सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन आपको बता दें, और लेकिन आपके बुक से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, ये बहुत ही मतलब सही बात नहीं है, आपको बुक पढ़ाने हैं और एक भी सवाल नहीं पूछा गया, जबकि 2011 में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लगभग 60 से 65 सवाल पूछे गए थे बुक से, यानी 11th क्लास के भी सवाल यानी बुक से भी सवाल पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया एग्ज़ाम, बहुत लोगों का अच्छा गया एग्ज़ाम, और यानी 50% लोगों का अच्छा गया है एग्ज़ाम, और 50% लोगों का उतना अच्छा नहीं गया है। अब बात करते हैं कि अगर कट ऑफ की बात करते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे यानी अपने हिसाब से बतलाता हूँ, आपको बता दूँ कि जो पासिंग मार्क्स हैं यानी 45% अगर लाते हैं इसमें तो आपका पासिंग मार्क्स है, यानी जनरल को छोड़कर, और जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 50% यानी यहाँ पे मार्क्स लाने हैं पासिंग मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि मेरिट बेसिस पे आपको नौकरी दिया जाएगा, यानी जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसी को नौकरी मिलेगा, यानी जो लोग टॉप करेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगा। तो उसके अनुसार अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यानी 150 में यानी 150 में कितने मार्क्स आएगा तो आप सुरक्षित जोन में जा सकते हैं, यानी आपको नौकरी ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं। तो आपका कम से कम यहाँ पे देखिए, कम से कम 110 है तो आपके चांसेस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सीट भी 5000 है, ज़्यादा नहीं हाई स्कूल यानी इंग्लिश टीचर के लिए। उसके बाद OBC या EBC या BC1 या BC2 के हैं, यानी मान लीजिए इसको OBC हम लोग कर देते हैं, तो देखिए 100+ में है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं आपको। लेकिन 120-130 जो लोग ऊपर हैं उसको कोई टेंशन नहीं, कि कम से कम इतना तो होना चाहिए तभी आप सुरक्षित जोन में हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं SC ST, तो इनका देखिए कम से कम यानी कम से कम
90 होना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तब आपको नौकरी मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि नहीं आप कैसे ऐसे बतला सकते हैं, इससे कम वालों को भी मिलेगा। तो देखिए मिलेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने लोग लाए हैं तो इनका मतलब कन्फर्म हो सकता है। देखिए 100% कोई गारंटी नहीं देगा, और लेकिन इतना लाए हैं तो आपका मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, इससे और अधिक हैं तो बहुत अच्छा है, आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर बात करें हम लोग जो लोग 90 प्लस हैं यानी जनरल कैटेगरी के नहीं हैं और 90 से यानी 100 के बीच में हैं, तो देखिए इनका 50-50 चांसेस हैं, या तो इनको नौकरी होगी या नहीं, यानी लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे नहीं भी आएंगे, क्योंकि उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, बहुत लोगों का गया है, और यानी 50-50 चांसेज हैं कि बहुत लोगों का अच्छा गया है और बहुत लोगों का नहीं गया है। तो इस अनुसार कह सकते हैं जो 90 लाए हैं उनका ऐसा हाल हो सकता है। फिर अदर कैटेगरी यानी एस सी एस टी में भी हैं जो लोग, तो उनका तो 80 भी आया है, तो उनका भी 50-50 चांसेस हैं, यानी जो लोग यानी एस सी कैटेगरी में है। अब रही बात तो जनरल कैटेगरी वाले 95 भी लाए हैं, तो इनका भी 50-50 चांसेस, इन लोगों का 50-50 चांसेस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मेरिट बेसिस पे रहेगा। अगर फिर भी इसमें कोई बदलाव होता है तो देखिए हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बतला रहा हूँ वही सही होगा, लेकिन इतना लाए हैं आप लोग तो आप मतलब एक सुरक्षित जोन में है, यानी 100 प्लस में है या जनरल कैटेगरी या ईबीसी ओबीसी, तो ये लोग सुरक्षित जोन में हो सकते हैं, इनको ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं एससी एसटी वाले 90 पे भी हैं तो उनका नौकरी हो सकता है। और रही बात फिर उसके बाद अगर 90 प्लस में है यानी जनरल को छोड़कर, तो इन लोगों का चांसेस 50-50 है, हम लोग इस बात को डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि रिजल्ट कब आएगी। तो जिनका सबसे अच्छा एग्ज़ाम गया है उन लोग नहीं चाहते हैं कि यानी परीक्षा रद्द हो, जिनका बहुत ख़राब गया है वो लोग चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह से पूरे बिहार का रद्द हो। तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा कि एग्ज़ाम रद्द होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम रद्द पूरा पुनः कराना दोबारा ये तो अब अच्छा नहीं होगा और करा नहीं सकती है बोर्ड, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा इसलिए कि मेरे बस का तो ये काम है नहीं। फिर भी क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन बात किया जाए तो मेरे अनुसार एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, लेकिन जो 4-5 सेंटर पे जो रद्द हुए है एग्ज़ाम उसका मतलब एग्ज़ाम होगा, जो फरवरी में बोला जाए कि फरवरी में तो एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका फरवरी के बाद यानी मार्च के फर्स्ट वीक में उनका एग्ज़ाम होगा यानी जिनका रद्द हो चुका है। तो फिर अब उसके बाद आंसर किया आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब कब तक रिजल्ट आएगा ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही बतलाया जा सकता है, जो लोग छूट गया है जिनका रद्द हो चुका है और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी एग्ज़ाम होने दीजिए जिनका रद्द हुआ है, उसके बाद और भी क्या क्या फैसला होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंदोलन होगा, पूरा परीक्षा रद्द होगा, तो इस पर तो अब देखिए आगे क्या क्या न्यूज़ आता है, मैं आपको बतलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंसर की डालिए, तो अभी तक आप आंसर की नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर हो सकता है तो मैं आंसर की डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए जो पेपर आया बहुत लेट से पहुंचा इसलिए मैंने आंसर की नहीं बताया क्योंकि बहुत देर हो चुका था। तो चलिए अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।